हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 इनके लिए हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक लेकर आए हैं, शब्द विचार। अब देखिए, शब्द विचार के बारे में हम जानेंगे। शब्द विचार के कितने भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी शब्द आदि सब, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि शब्द विचार क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, यानी कि वो एक शब्द से बनी हुई है और इसका अर्थ क्या है? नहीं। और एक है वह, यानी ये भी एक वर्ण से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? और इस तरह से होता है, ठीक है। अब अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जैसे कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं ना, जैसे कलम 3 वर्ण से मिलकर बना है, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय आदि सब। तो यानी एक या एक से अधिक वर्ण जो होते हैं उनसे स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जो निकलती है वो शब्द होते हैं, शब्द कहलाते हैं। और इनको जैसे एक, ये हमने अभी देखा था, यानी न, यानी इनका कोई सार्थक मतलब निकलना चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में है, दूसरी परिभाषा है। तो अब हम इसकी शब्द के भेद के बारे में जानेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के भेद अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद होते हैं। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद में तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, देश शब्द एवं विदेशी शब्द। ये जो 4 शब्द हैं ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। और अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द भेद होते हैं? एक होता है रूढ़, दूसरा होता है योगी और चौथा होता है योग रूढ़। और प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो ये उत्पत्ति, अर्थ और व्युत्पत्ति और प्रयोग की दृष्टि से ये शब्द भेद हैं। तो हमने अभी देखा उत्पत्ति की दृष्टि से कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से हैं? रूढ़, योगी और योग रूढ़। और प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, विकारी और अविकारी शब्द। तो ये बच्चों, ये शब्द के भेद हैं। अब सबसे पहले हम उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द की भेद के बारे में हम जानेंगे। यानी कि जैसे तत्सम, तो तत्सम शब्द में किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे कैसे होते हैं? जैसे अग्नि, वो संस्कृत में भी अग्नि रहता है और हिंदी में भी अग्नि। क्षेत्र, यानी क्षेत्र को जैसे खेत कहते हैं, तो क्षेत्र संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का भी है। वायु, वायु संस्कृत का भी है और हिंदी का भी है। रात्रि, सूर्य आदि। तो ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये हिंदी में भी आते हैं। अब देखिए, दूसरा देखते हैं तद्भव शब्द। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद में संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। यानी कि वो अपना संस्कृत से रूप बदलने के बाद में हिंदी में आते हैं। जैसे आग, तो आग हिंदी में है, तो ये अग्नि ये संस्कृत में था और ये रूप बदलने के बाद में हिंदी में आया है आग। अब जैसे खेत, क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र संस्कृत में था, जैसे हमने ऊपर वाले तत्सम में उदाहरण में हमने देखा, तो क्षेत्र संस्कृत का है लेकिन इसका जब रूप बदला तो ये हिंदी में कैसे आया? खेत के रूप में। रात्रि, रात्रि रात के रूप में, सूर्य सूरज के रूप में। तो ये यानी कि संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए हैं, परिवर्तन हुआ है इनका, ठीक है। आगे देखते हैं
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, देशज, तो देशज के बारे में हम जानेंगे, यानी जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। यानी कि वैसे शब्द क्षेत्र के प्रभाव से, जैसे क्षेत्र में रहते हैं ना, उसकी परिस्थिति और उसकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे जो बोलते हैं ना भाषा में, वो प्रचलित हो जाते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पगड़ी, वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है पगड़ी, तो वो देशज शब्द है। गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि शब्द क्या है? देशज शब्द है। अब विदेशी या विदेशज शब्द, तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के रूप से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, यानी कि जो विदेशी जातियां होती है उनके संपर्क में आने के बाद में उनकी जो भाषा से जो शब्द निकलते हैं वो हिंदी में प्रयोग में होते हैं, यानी कि वो उनका परिवर्तन हिंदी में होता है, तो ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, तो स्कूल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि, तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द विदेशी शब्द हैं जो एक विदेशी जाति के संपर्क से आए हैं और उनकी भाषा में शब्द में हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो ये शब्द विदेशी या विदेशज शब्द हैं। अब दूसरा हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, यानी कि बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, यानी रूढ़, योगी तथा योग रूढ़। अब हम रूढ़ के बारे में जानेंगे सबसे पहले, यानी एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रूढ़ को देखते हैं, किसे कहते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने, यानी किसी अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ होता है, वे रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से तो ना बने और विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, और जिनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दूध, तो दूध के हम टुकड़े करेंगे तो इसका कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं निकलता है। गाय, पेड़, दीपक, तो आदि जो ये उदाहरण है, इनके ये किसी अन्य योग से नहीं बने हैं और इनका विशेष प्रकट तो हो रहा है, जैसे दूध, गाय, पेड़, दीपक, लेकिन जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। अब दूसरा हम देखते हैं यौगिक, किसे कहते हैं? यानी जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, यानी कई शब्दों से मिलकर वो बने हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। यानी जैसे देवालय, तो देवालय किससे बना है? देव प्लस आलय। राजपुरुष किससे बना है? राज प्लस पुरुष, यानी राज जमा पुरुष। हिमालय, हिम जमा आलय। देवदूत, देव जमा दूत आदि, तो ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए हैं, जैसा हमने अभी उदाहरण में देखा, तो ये शब्द क्या हैं? योगी शब्द हैं। अब तीसरा हम देखते हैं योग रूढ़, वे शब्द जो योगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी जैसे पंकज, दशानन आदि। अब देखिए पंकज में जैसे पंक जमा जय, तो इसका सामान्य अर्थ न प्रकट करके क्या विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? यानी इसका मतलब क्या है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न क्या होता है? कमल। सामान्य अर्थ में हम प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, यानी इसका मतलब एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है ना, इसी तो ये क्या है? ये शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दश, तो दश क्या है? दश को क्या बोलते हैं? दस, और आनन यानी मुख, तो यानी रावण के अर्थ में प्रकट हो रहा है ये, तो ये क्या है?
विदेशी। तो ये शब्द क्या है? ये योग रूढ़ शब्द हैं, यानी इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। आगे हम अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद देखेंगे, यानी अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो हम भी इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? यानी जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी उनका कुछ अर्थ कुछ मतलब निकलना चाहिए, जैसे कि रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। ये शब्द क्या है? ये सार्थक शब्द है, इनका मतलब निकलता है रोटी यानी हम जो खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ममता यानी माँ की ममता होती है ना, माँ का प्यार, डंडा आदि, यानी इनका सब कुछ मतलब निकलता है। अब निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा। इनमें से जो वोटी वानी वंडा आदि जो हैं वो निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, यानी कि जो ये शब्द हैं इनका कोई मतलब कोई सेंस नहीं निकल रहा है। वोटी वानी वंडा इस तरह के जो शब्द हैं इनका कोई शब्द कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब चौथा हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जो शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप में परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मैं। तो इनका परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो इनमें जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द क्या होते हैं? विकारी हैं, तो इनके रूप में परिवर्तन होता है, तो ये शब्द ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ। तो यहाँ है, किंतु, नित्य, और, हे अरे आदि। तो ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये शब्द कौन से हैं? विकारी। इनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि हैं। बच्चों, ये हमारे शब्द का चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।